नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हो उम्मीद है आपसे भी अच्छे और हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर फोर्टी वन ये आपके मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जो कि आपकी रीडिंग एंड पैनिंग के अंडर है और आज की हमारी थीम है कैलेंडर तो अपनी वर्कशीट शुरू करने से पहले अपनी क्लास लिखेंगे आपका सेक्शन ए बी सी डी लिखेंगे आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद वर्कशीट शुरू करेंगे तो हमारी आज की पहला हमारे आज की वर्कशीट का पहला प्रश्न है चित्र पहली नीचे दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियां हो गई हैं आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के अध्यापा साथ साझा कीजिए तो देखिए इसमें चार गलतियाँ क्या क्या हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये यह पैर दिख रहा है और इस वाली पिक्चर में कोई पैर नहीं यानी कि पैर ज्यादा है दूसरा देखिए ये यह लाइन यहाँ पर अलग है यहाँ पर लाइन नहीं है ठीक है लाइन नहीं है यहां पर देखिए ये वाली लाइन भी नहीं है ठीक है और अगला देखिए यहां पर ये यह कुछ डिजाइन सी दिख रही है जबकि इसमें डिजाइन ये कि गोला बना हुआ है आधा गोला बना हुआ आधा है आधा गोला है ठीक है तो ये हमारी चार मैंने गलतियां बता हैं अगर आपको इसके अलावा और कोई सी भी गलती दिखती है तो आप वो भी लिख सकते हैं आगे देखते हैं कैलेंडर 18 मार्च को काव्या का जन्मदिन है वह कैलेंडर सॉरी वह इस महीने का कैलेंडर देखकर यह पता लगा रही है कि 18 मार्च को कौन सा दिन है तभी उसका बड़ा भाई जितेंद्र आया और बोला कि क्या वह कैलेंडर को देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकती है आप भी जितेंद्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए आज क्या तारीख है तो आज क्या तारीख है आज हमारी है आठ मार्च बीते हुए कल की तारीख और दिन बताइए बीता हुआ कल यानी कि जो बीत गया है वो है हमारा सात मार्च और दिन है आज दिन है उस दिन सोमवार इस महीने में कितने शुक्रवार हैं कितने शुक्रवार यानी कि फ्राइडे कितने हैं ये हैं फ्राइडे हमारे तो चार फ्राइडे हैं इस महीने में कितने दिन हैं तो इस महीने में थर्टी वन डेज हैं यानी कि इकतीस दिन अगले महीने की तारीख को कौन अगले महीने की एक तारीख को कौन सा दिन होगा यानी कि इस महीने की इकतीस तारीख जिस दिन की उससे अगला दिन एक तारीख होगा तो ये है हमारी वीरवार यानी कि शुक्रवार होगा एक तारीख अप्रैल का ठीक है अगला है हमारा दी गई तारीखों के बीच कितने दिन है नौ महीने की नौ तारीख और उन्नीस तारीख के बीच नौ तारीख और उन्नीस तारीख के बीच देखना है तो यानी कि इसको नौ नहीं गिनना है और उधर से उन्नीस नहीं गिनना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ कितने दिन हैं नौ दिन है महीने की दो तारीख और सात तारीख के बीच यानी कि ना तो दो गिनने और ना ही सात तो एक दो तीन और चार दिन है उसके बाद महीने की बीस तारीख और सत्ताईस तारीख के बीच बीस और सत्ताईस के बीच यानी कि एक दो तीन चार पाँच और यानी कि छह दिन है ठीक है अब आगे देखें क्या है इन दिनों में कौन सी तारीख होंगी दस तारीख के दो दिन बाद यानी कि दस तारीख के दो दिन बाद क्या होगी बारह तारीख होगी चौदह तारीख के पांच दिन बाद चौदह तारीख के पांच दिन बाद उन्नीस तारीख होगी इसमें जोड़ते जाएंगे हम बाईस तारीख के एक सप्ताह बाद यानी कि बाईस तारीख में सात दिन जोड़ दीजिए तो क्या बनेंगे बाईस के बाद सात दिन जोड़ने पर बनेंगे ट्वेंटी नाइन तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस ठीक है मार्च के इस कैलेंडर की मदद से आप अपनी पुस्तिका में अप्रैल के महीने का कैलेंडर बनाइए और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए तो देखिए आप कैसे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ यहाँ यानी कि हम यहाँ शुरू शुरू करेंगे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ठीक है सैटरडे करेंगे तो हमें पता है कि थर्टी फर्स्ट को थर्टी फर्स्ट मार्च को थर्सडे है यानी कि एक तारीख किस दिन की होगी फ्राइडे की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी थर्टी जो होगी वो सैटरडे की होगी क्योंकि अप्रैल के महीने में तीसरे दिन होते तो आप इस तरीके से कैलेंडर अपनी कॉपी में बना सकते हैं ठीक है पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को समय की इकाइयों जैसे सेकेंड मिनट घंटा दिन सप्ताह साल आदि के बारे में बताएं, उनसे संबंधित चीज़ें बताएं कि कब आते हैं कौन सा त्यौहार मनाया जाता है कितने दिन का होता है ये सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं तो उम्मीद है वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद